हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक हम शुरू करेंगे चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक से। सम एरर्स मे बी मेड वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मीन व्हेन द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is calculated by shortcut and step deviation method. The accuracy of the calculation can be checked by using the following formula given by Charlier. देखो, जब भी हम मीन को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी एरर हो जाती हैं, तो Charlier जो था उन्होंने ये कहा कि अगर आप मीन को कैलकुलेट करते हो स्टेप डेविएशन से और शॉर्टकट मेथड से तो आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो। ये फॉर्मूला बताया उन्होंने, सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल, डी होता है डेविएशन। डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जब एज्यूम मीन लेते हैं और जो आइटम्स हैं उनमें से एज्यूम मीन को लेस करते हैं या फिर मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन को लेस करते हैं। प्लस हम करेंगे वन इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल आ जाता है सिग्मा एफ डी प्लस सिग्मा एफ के, ये तो होता है फोर शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट है सिग्मा एफ स्टेप डेविएशन प्लस वन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश प्लस सिग्मा एफ, ये होता है फोर स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरीके से जो है आप अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो, ठीक है। इफ द टू साइड्स ऑफ दीज इक्वेशंस डू नॉट टैली द कैलकुलेशन इज इनकरेक्ट। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम्पल में, ताकि हम इसको और बेटर वे से समझ सकें। सो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो अप्लाई चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक टू वेरीफाई द कैलकुलेशन। और हम क्या करेंगे, चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक को अप्लाई करेंगे ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकें। तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स दी हुई थी 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55, एंड उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ हो गई कॉन्टीन्यूस सीरीज़, जिसमें हमारे पास पार्ट दे रखा है एक्सक्लूसिव सीरीज़ का, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा स्टेप आप लोगों को बताया गया था कि हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसमें आपको ये समझाया गया था कि L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे आप, 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से जो है आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो मिड वैल्यू आ जाएंगी 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। आफ्टर दैट हम जो है इस क्वेश्चन को, जो आपको बताया गया था कि जो चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक जो होता है वो सिर्फ आप जब शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हो तभी अप्लाई होता है, इसलिए हमने क्या किया कि हम इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा, हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 37.5 जो है उसको हमने एज्यूम मीन ले लिया, और एज्यूम मीन को हम ए से डिनोट करते हैं। अब हम डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, मीन्स मिड वैल्यूज़ में से हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन को लेस कर देंगे।
देन हमारे पास जो है डेविएशन आ गई -15, -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15। अब आपको पता है कि कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन और इजी हो सकती है, इसलिए आप क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है कॉमन फैक्टर जो है आपके पास 5 है, ठीक है। तो आप डी डैश कैसे निकालेंगे, जब आप डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ गया -3, -2, जब इन सब वैल्यूज़ को आपने 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। आफ्टर दैट क्या होता है, हम f को डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी f जो है यहाँ पे है और डेविएशन जो है यहाँ पे है। तो हमने जब 10 इंटू -3 किया तो हमारे पास आया एफ डी डैश कितना आ गया -30। आफ्टर दैट 12 इंटू -2 देन दिस विल बी 24। 8 इंटू -1 दिस इज -8। आफ्टर दैट दिस इज 0, दिस विल बी 11, 8 एंड 15, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा जो चार लेयर एक्यूरेसी चेक है उसमें हमें क्या चाहिए, डी डैश प्लस 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टेप डेविएशन आई है इन सब वैल्यूज़ में 1 को ऐड करेंगे। तो जब हमने -3 में 1 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया -2, ओके। जब हमने -2 में 1 ऐड किया तो ये आ गया -1, जब -1 में 1 ऐड किया तो 0, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। इस तरीके से आपने डी डैश प्लस 1 किया। आफ्टर दैट जो है आपको एफ डी डैश प्लस 1 भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका आप मल्टीप्लाई कराएंगे एफ से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -20, आफ्टर दैट -12, आफ्टर दैट 0, 20, 22, 12 एंड 20, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो जो वैल्यूज़ का टोटल हमें चाहिए, एक हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हमारे पास है 10, 12, 8, 20, 11, 5 एंड 4, ठीक है। इन सब का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70, ओके। आफ्टर दैट सिग्मा एफ डी डैश हमें चाहिए, जो वैल्यूज़ माइनस की हैं उनको अलग से जोड़ लो और जो प्लस की वैल्यूज़ हैं उनको अलग से जोड़ लो, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ कम हैं और नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हैं। तो जब आप इनको आपस में लेस करोगे, इनके सम्मीशन को, तो आपके पास बेटा आंसर आएगा -28, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा हैं। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश प्लस 1, तो आपके इसका टोटल करेंगे, माइनस की वैल्यू हो गई 32 एंड प्लस की वैल्यूज़ ये दिख रही हैं आपको, तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा 42, ओके। अब सबसे पहले जो है आप क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर लीजिए। आफ्टर दैट चार लेयर्स एक्यूरेसी चेक से आप अपनी देख लीजिए कि आपने जो वैल्यूज़ डेराइव किए हैं क्या वो करेक्ट हैं। तो सबसे पहले जो है आपने स्टेप डेविएशन से पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया, यहाँ तक टेबल को पूरा बनाया है, तो आप स्टेप डेविएशन से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। देन योर फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी, देन ए आपका है 37.5, एफ डी डैश जो है वो माइनस वैल्यू है तो आप यहाँ पे माइनस डायरेक्ट ही लिख लीजिए। सिग्मा एफ जो है 70 है और आपको पता है कॉमन फैक्टर आपके पास 5 आया था, इनटू आपने कर दिया 5, देन इसको आप कट कर सकते हो, 7 4 जा 28 और ये 10 जा पे चला गया, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4,
इस तरीके से जो है ये आपके पास आ गया माइनस टू, ठीक है। तो आपने क्या किया, 37.5 माइनस टू, देन द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज 33.50, दिस इज अर्थमेटिक मीन। ओके, नाउ वी विल चेक अवर एक्यूरेसी। सो फॉर्मूलाइज स्टेप डेविएशन मेथड से, देखो क्या बताया था, सिग्मा एफ डी डैश प्लस वन प्लस सिग्मा एफ डी डैश प्लस सिग्मा एफ। तो यहाँ पे जो है हम चेक करेंगे, हमने अभी भी फॉर्मूला बताया क्या है, सिग्मा एफ डी डैश प्लस वन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश प्लस सिग्मा एफ। क्योंकि देखो इसको अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ डी डैश प्लस सिग्मा एफ। तो ये जो है दोनों इक्वल अगर हो गई तो आपकी एक्यूरेसी सही है। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा अभी अभी जब आपने अभी सिग्मा एफ डी डैश प्लस किया था तो आपके पास कितना आया था, 42। तो यहाँ पे आपने डाल दिया 42, और देखिए सिग्मा एफ डी डैश आपके पास कितना है, -28। तो आपने लिखा -28 एंड प्लस सिग्मा एफ देखिए कितना है, 70। सो 70 देन 42, जब 70 में से 28 गए देन दिस विल बी 42। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, सेम हो गई, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड द कैलकुलेशंस आर करेक्ट, इसलिए हमारी कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट है। तो बेटा इस तरीके से जो है चार लेयर्स एक्यूरेसी चेक से आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने कैलकुलेशंस किए हैं क्या वो आपकी करेक्ट हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ये दो फॉर्मूला है। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करते तो आप क्या करते, जस्ट डी प्लस वन करते, आफ्टर दैट उसका फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराते, सिग्मा एफ डी डैश का टोटल करते और सिग्मा एफ का टोटल करते और इस इक्वेशन को इक्वल करके देखते क्या इक्वल है, अगर इक्वल है तो आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। और ये फॉर्मूला आपने अभी अभी क्लियर किया ही है कि आप किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करके इसको वेरीफाई करेंगे। एक और टॉपिक है बेटे, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। कई बार क्या होता है, जो भी हमारे पास सीरीज गिवन होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज और वी कैन से डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो भी सीरीज हमारे पास गिवन है उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग होती हैं, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे। आवर टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग बट मीन इज गिवन, कोई ना कोई एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है लेकिन मीन गिवन है, देन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू बाई यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। एक फार्मूला है जिसके बेस पे हम अपनी मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप लोगों को समझाया गया था, हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या बताया गया था, मीन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, बताया गया था आप आइटम्स जितने भी आपके आइटम वन आइटम टू आइटम थ्री इस तरीके चलते जाएंगे, आप आफ्टर दैट क्या करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, आइटम एन तक जाएगा आपका, है ना, और डिवाइड बाई क्या करते हैं आप, नंबर ऑफ आइटम्स से, ठीक है। अब आपकी कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, कोई आइटम मिसिंग है लेकिन आपके पास मीन दे रखा है, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, तो आप इजिली जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हमें पता है कि हमारे पास एक सीरीज है बेटे, उसमें हमें बताया गया मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ फाइव आइटम्स, इट मीन्स एन हमारे पास कितना हो गया, फाइव, क्योंकि हमें बता दिया गया है फाइव आइटम्स और उनका मीन बताया गया है हमसे 25, ठीक है, हमें बता दिया गया है कि जो मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ फाइव आइटम्स इज 25, देन एन इज फाइव एंड मीन इज 25। वैल्यूज दे रखी है बेटा, फोर आइटम्स हमारे पास गिवन है, फिफ्थ आइटम हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है 10, 25, 35 एंड 45,
अब जो है आपको जो फिफ्थ आइटम है आप उसको एक्स फाइव लिख सकते हो। ये आपको फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले पे चलेंगे, क्या लिखेंगे? आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, मीन इज इक्वल टू आइटम वन प्लस आइटम टू प्लस आइटम थ्री प्लस आइटम फोर एंड प्लस आइटम फाइव, इस तरीके से। एंड डिवाइड बाई क्या करते हैं, एन करते हैं। सो मीन इज 25। आफ्टर दैट इन सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो देखिए बेटा 40 प्लस 10 50 एंड दिस इज 50 एंड दिस इज 60, तो ये कितना हो गया 110। ओके, इन सब वैल्यूज का टोटल, क्योंकि यहाँ पे लिख लिया ना हमने, और प्लस क्या कर दिया हमने आइटम 5, क्योंकि हमारे पास है नहीं, है ना। और हमारे पास जो आइटम्स टोटल आइटम है वो कितने हैं, 5 है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आपने क्या किया 25 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 110 प्लस क्या हो गया एक्स 5। ओके, तो देखो ये हो गया 125, और ये जो वैल्यू है ना इधर की साइड जो पॉजिटिव होती है, जो साइड चेंज होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव अगर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपने कहा माइनस 110 इज इक्वल टू एक्स 5। ओके, सो आइटम हमारे पास कितना आ गया बेटे, एक्स 5 इज इक्वल टू, जो इसमें से इसको लेस किया तो ये आ गया 15। तो इस तरीके से जो है इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपकी कोई वैल्यू मिसिंग है तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो इंडिविजुअल सीरीज की बात थी कि आपको इंडिविजुअल सीरीज में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो आप जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल करेंगे, जो वैल्यू मिसिंग है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, नंबर ऑफ आइटम है आपके पास, मीन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यूज़ का टोटल आएगा उसको माइनस करेंगे तो आपके पास मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज़ की और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज में बेटा हमारे पास आइटम्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ना आइटम की एक वैल्यू मिसिंग है, 40 के नेक्स्ट वाली वैल्यू और 50 से अबव वाली वैल्यू जो है आइटम्स में वो मिसिंग है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आइटम की ही कोई वैल्यू मिसिंग हो, ये भी हो सकता है कि कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग हो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आइटम्स की वैल्यू मिसिंग है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या रखा है बेटा, फाइंड द मिसिंग आइटम इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50। हमारे पास मीन दे रखा है बेटे, मीन इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, जब भी हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अर्थमेटिक मीन जो है वो डायरेक्ट मेथड से निकालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे सबसे पहले, तो हमने मल्टीप्लाई किया 30 इंटू 1, दिस विल बी 30, 35 इंटू 2, दिस विल बी 70, 40 इंटू 3, ये हो गया आपके पास 120। और बेटा जो ये मिसिंग वैल्यू है इसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपने लेट कर दिया कि दिस विल x, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू है ये x हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x, 50 इंटू 6 दिस विल बी 300 एंड 75 इंटू 4 दिस विल ऑल्सो 300। ओके, नाउ क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स करेंगे, सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा f, तो f का जब हमने टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया बेटा 20, और इन वैल्यूज़ का टोटल कर लीजिए बेटा, ये जो वैल्यू है ये सब ऐड हो जाएंगी, और ये सब ऐड होने के बाद में जो आंसर आएगा उसमें प्लस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया बेटा 820 प्लस क्या आ गया, 4x आ गया। इस तरीके से आपने यहाँ तक इन स्टेप्स को यूज़ किया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। आपको पता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ओके, तो आपको पता है कि मीन हमारे पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 50 प्लस सिग्मा एफ एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, 820 प्लस 4x डिवाइड बाई
ट्वेंटी। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x, ओके। तो जब इनका मल्टीप्लाई किया बेटे तो ये हमारे पास आ गया 1000 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x। तो ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, 1000 माइनस 820 इज इक्वल टू 4x। तो जब 1000 में से 820 लेस हुए तो ये आ गया 180 इज इक्वल टू 4x, ओके। एंड क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 4। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 16 एंड 5, दिस विल बी 45। तो इस तरीके से जो मिसिंग आइटम था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई, ठीक है। तो आपको बड़ा ही पेशेंस से काम करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। मोस्ट ऑफ क्या होता है, बच्चे जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो है एंड में आके कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो बड़ा ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना है। इस तरीके से बेटा डिस्क्रीट सीरीज़ में जो है आप आइटम की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग होती तो हम क्या करते, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जहाँ पे आइटम की बजाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग है। इन दिस क्वेश्चन फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। इफ़ मीन इज 28, मीन दे रखा है 28, आइटम्स हमारे पास दे रखे हैं 5 15 25 35 45 एंड 55। फ्रीक्वेंसी जो है बेटे, फ्रीक्वेंसी में हमारे पास दे रखा है 5, आफ्टर दैट है हमारे पास 7, आफ्टर दैट हमारी वैल्यू मिसिंग है, फिर है 18, 5 एंड 3, ठीक है। तो हमें जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को बताया गया था जब भी कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, f इंटू x करेंगे, 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 7 ये हो गया आपके पास 105, ठीक है। और आपने इनका मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आप f भी लेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो x जो होती है आइटम को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए यहाँ पे आप f से इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 25f हो गया। आफ्टर दैट 35 इंटू 18 है ना, तो ये आपके पास हो गया 630। आफ्टर दैट 45 इंटू 5 दिस विल बी 225 एंड 55 इंटू 3 दिस इज 165, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिग्मा एफ करेंगे और यहाँ पे जो है हम सिग्मा एफ एक्स करेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाली वैल्यू जो है ये सब ऐड हो जाएंगी और प्लस क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो इन सब वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 38 प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ओके। ऐसे ही ये वैल्यू जो है ये सब ऐड हो जाएंगी और प्लस में क्या आ जाएगा, 25 एफ आ जाएगा। तो बेटा इन सब वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो ये आया 1150 प्लस हो गया 25 एफ, ओके। अब हम क्या करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे। मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 28, ओके। तो हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो हम कहते हैं कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, मीन की जगह पे 29 एंड एफ एक्स कितना है, 1150 प्लस 25 एफ डिवाइड बाई 38 प्लस एफ, ओके। ये सब वैल्यूज़ बेटा हमारे पास हमने डेराइव की थी। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे गलती होती है इसलिए कोशिश करनी है, बड़ा ही पेशेंस से काम करना है। तो आपने क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाना है ना। तो आप क्या करेंगे, 29 ब्रेकेट में क्या आ जाएगा, 38 प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1150 प्लस 25 एफ,
ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो 29 है वो 38 से भी मल्टीप्लाई होगा और एफ से भी मल्टीप्लाई होगा। जो 29 इंटू 38 किया तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1102, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 29F इज इक्वल टू 1150 प्लस 25F। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको एक तरफ ले आएंगे और जो F वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो 29F जो है बेटे इसको इधर ही रहने दो, ठीक है, और इसको इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो कितना होगा 25F। ओके, और ये वैल्यू इधर ही रहने दो और इस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस क्या हो गया 1102। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 4। ओके, एंड ये जो है बेटा आपके पास आ गया 48। सो एफ इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4, देन दिस विल बी 12। तो आप जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी बेटे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डिस्क्रीट सीरीज में जब आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से काम करना है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी की, और लास्ट क्वेश्चन में आपने आइटम की मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट किया। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज का, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग है। हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दे रखी है 44.8। ओके, आइटम्स दे रखे हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले है 5, आफ्टर दैट मिसिंग है, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। आफ्टर दैट है 15, 10, 8 एंड 5। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, तो आपने मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 5, ये हो गया 100, ये हो गया 30F। और जब आपने इसको कैलकुलेट किया 15 इंटू 4, 0, 600 हो गया, आफ्टर दैट 500, दिस विल बी 480 एंड दिस इज 350। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स करेंगे एंड सिग्मा एफ करेंगे, तो ये सब वैल्यूज़ तो बेटे ऐड हो जाएंगी और प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 43 प्लस एफ आ गया। ठीक है, और ये सब वैल्यू ऐड हो जाएंगी और प्लस क्या कर देंगे आप, 30F कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया 2030 प्लस आ गया 30F। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने इस पूरी टेबल को कंप्लीट किया जो भी आपको रिक्वायर्ड था। आफ्टर दैट आप फॉर्मूला पुट करेंगे, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ओके, तो मीन आपके पास गिवन था 44.8। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया मीन की वैल्यू को, 44.8 इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास गिवन है 2030 प्लस 30F एंड ये 43 प्लस F। ओके, अब आप देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से। ठीक है, तो आपने क्या किया, 44.8 इंटू क्या आ जाएगा, 43 प्लस F इज इक्वल टू 2030 प्लस 30F। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बेटा आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों वैल्यूज़ को तो आपके पास आ गया 1926.4। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया आपका 44.8F इज इक्वल टू 2030 प्लस 30F। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो F की वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड ले जाएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड ले जाएंगे। इसको आपने एज इट इधर ही रख लिया, तो आपने क्या कहा 44.8F और ये वाली वैल्यू इधर आई तो ये क्या हो गई, माइनस 30, ये कितना हो गया 2030 और ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी
1926.4। ओके, तो आप इनको लेस करेंगे जब आपने 44.8 में से 30 को लेस किया तो ये कितना आ गया, 14.8 f आ गया, ठीक है। और इनको लेस करेंगे तो ये आपके पास आ गया 103.6। ओके, अब आप क्या करेंगे, f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आपने कहा f इज इक्वल टू 103.6 और ये हो गया 414.8, ठीक है, 14.8 एंड 103.6। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये जो सीधा सीधा आपके चला जाएगा 7 पे, ठीक है। तो आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास आ गई 7। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये था बेटा आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का, जब आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ की वैल्यू मिसिंग होती है तो आप इस तरीके से अपनी मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू।